पकड़ो तो चलो पकड़ते हैं, चलो पकड़ के आते हैं। चलो मम्मा देखिए सांप काटे करे, सांप है तो काटेगा। पानी में भी जा रहा था, उस साइड का माहौल क्या रहता होगा। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं मानस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग रेडी हो गए हैं पौना डैम जाने के लिए। और आप लोग को बता दें, अचानक से प्लान बना, पहले से कोई प्लान नहीं था, तो अभी हम लोग रेडी हो गए हैं, निकलते हैं। तो देखिए यहाँ पे मानस सो रहा है और हम लोग बाइक से ही जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग के पास फोर व्हीलर नहीं है कि हम लोग फोर व्हीलर से जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग बाइक से ही जा रहे हैं। आप लोग को पता ही है कि मेरे दो बच्चे हैं, तो यहाँ पे एक ही बच्चे हैं और एक बच्चे दूसरे बाइक पे बैठा दिए हैं, वो भैया साथ में जा रहे हैं तो उनके बाइक पर है। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और मस्त नज़ारा देखते रहिए, आप लोग को हम दिखाते चलेंगे। और आप लोग को वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा और बेल आइकन घंटी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए यहाँ पे छोटा सा एक दुकान है, तो हम लोग चाय पीने के लिए रुक गए हैं क्योंकि हम लोग थक गए थे गाड़ी में बैठे बैठे। ये लोग तो भाई गाड़ी चलाते हैं तो थकेंगे ही, तो यहाँ से चाय पी करके हम लोग निकलेंगे। रास्ते में एक दुकान मिल गया था, तो देखिए यहाँ का नज़ारा। और बाबू बोल रहा है भूख लग गई है, तो यहाँ आगे दुकान मिलेगा तो हम लोग फिर से रुकेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये लोग चिप्स या कुरकुरे कुछ खा रहा है और यहाँ पे बड़ा पाव भी मिल रहा है, तो ये लोग का मन होगा तो खाएगा। तो ऐसे ही आप लोग भी जा सकते हैं और रास्ते में छोटे मोटे दुकान मिलते हैं तो वहाँ पर आप लोग चाय नाश्ता कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग चाय पी लिए हैं, देखिए मेरा भी चाय आ गया है और चाय हम पी करके फिर निकलते हैं। और बाबू लोग को बड़ा पाव खाना है, तो देखिए यहाँ पे बड़े पाव खाएगा, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। तो वहाँ का जगह आप लोग को बता दें बहुत अच्छा है, हम लोग पिछली बार भी गए थे दिसंबर में, बहुत अच्छा जगह था और हम लोग बहुत मस्ती किए थे, इंजॉय किए थे। और आप लोग को बता दें कि यहाँ से हम लोग को 75-80 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ से 75 या 80 किलोमीटर ऐसे होगा। फिर भी हम लोग बाइक से जा रहे हैं, क्या करें, हम लोग के पास मजबूरी है क्योंकि हम लोग के पास फोर व्हीलर तो है नहीं कि हम लोग फोर व्हीलर से जाएं। तो यहाँ से हम लोग निकल गए हैं और वहाँ पहुँच करके आप लोग को हम दिखाते हैं। और देखिए कितना प्यारा प्यारा नज़ारा मिल रहा है, रास्ते में बहुत सुंदर है, यहाँ पे पहाड़ी देखने को मिलेगा मस्त हरा भरा। तो देखिए ये सब नज़ारा आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे सच बताएं तो बाइक पे ही मज़ा आता है, फोर व्हीलर में उतना मज़ा नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास नहीं है इसलिए मैं बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बाइक में खुला खुला अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम दिखा रहे, देखिए कितना स्पीड बाइक चला रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। तो देखिए और रोड यहाँ अच्छा है, रोड ख़राब नहीं है, अच्छा रोड है। तो आप लोग भी यदि आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप नंबर के लिए बोल सकते हैं, आप लोग को आना हो तो कांटेक्ट करना हो तो उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसका प्राइस आप लोग को बता दें, हम लोग से एक भैया हैं उनके जान पहचान के, क्योंकि वो भैया बार बार जाते रहते हैं इसीलिए उनसे वो ही बुक किए हैं, तो 900 रुपया उनसे लिया है। और सबके लिए वहाँ पे 1300, 1400, 1500 है, क्योंकि अभी दिसंबर में ज़्यादा लोग आते हैं ना, इसीलिए तो अब हम लोग पहुँचने वाले हैं, देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, पीछे देखिए हम लोग को रहने के लिए है और यहाँ पे सारा व्यवस्था है, लेटरिंग बाथरूम सब है। और आप लोग को बता दें यहाँ पे आते के साथ आप लोग को चाय मिलेगा। हम लोग यहाँ पे 6 बजे के आसपास पहुँच गए थे,
छः बजे के आसपास पहुंचने के बाद वहां पे आपको चाय और पकौड़ा मिलेगा स्टार्टिंग में, उतना ही रेंट जितना आप पे किए हैं उतना ही में सारा व्यवस्था है। चाय मिलेगा और पकौड़ा मिलेगा, और वहाँ पे बच्चे के खेलने के लिए, बड़ों के खेलने के लिए और रात में डांस करने के लिए सब व्यवस्था वहाँ पे है।